जाना है बॉनफायर में। तो उसको मामा ने मना किया, वो भी खाया। कैमरा अलोन नहीं, उतना बच्चा वेप रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यान और मैं हूँ 13 साल का और मैं अपने नाना अबू की जान हूँ। तो जैसा कि आपको पता, 2-3 भी लोग से हमने आपको बता रहे हैं कि हमने जाना है बॉनफायर में, लेकिन हम आपको पक्का नहीं बता रहे कब जाना है, क्या करना है, क्या होना। तो आज वही दिन है, आज हमने जाना है बॉनफायर में, जिसमें कि अरे हम किस स्कूल में होना है बॉनफायर जिसमें कैमरा नो अलाउ नो। लेकिन अरे हम ले आए 3 टिकटें, क्योंकि हम मैं 3 बहन भाई। लेकिन फिर उन्होंने कह दिया जी नहीं सुरी सुने, फिर उन्होंने कहा कि नाया नहीं आ सकती, छोटी एज है, पता नहीं कौन सा बस नहीं आ सकती, मुझे इतना पता चला है। तो फिर हमने अपने साथ एक रेडी कर लिया अपने कजन को, जो कि हमारे अब साथ जाने लगा, उसको भी हमने अब रेडी कर लिया। ये देखे अभी अभी मैं आया हूँ मदरसे से, ये देखे मैंने अभी वही वाला यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो अभी कपड़े चेंज करते हैं, तो देखते हैं मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ, क्या डिसाइड करता हूँ। तो बाकी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करे, लाइक करे, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चले आगे चलते हैं। A few moments later. भाई के भी करो सेट यान। इसके होते नहीं। किस तरफ को करता है कंगी? उस तरफ को। यान अपनी तरफ मुंह करके नहीं होगा। मैं रेडी तो हो गई हूँ, लेकिन मैं अपने नए वाले शूज ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिले नहीं। मेरे तो निकल गए हैं। लगते नहीं। मैं सबसे पहले करूंगा आपसे। शूज नहीं मामा, मेरे किधर है? इधर ही। तुम खपते हो, मैं तो इधर पहन, मेरे को शूज उसको मिल गए हैं। मेरे किधर जा सकते हैं? मेरे फ्रंट में। यस हम अक्सर दोनों सेम है, और मामा का इनके देखे हैं ना वो ब्रांड, तो मेरे बाल ब्रांड। ये देखे हम हो गए रेडी बिल्कुल अच्छी तरह। आपको जैसा मैंने इंट्रो में ही बताया था कि उधर मोबाइल लेने के कैमरा अलोन नहीं है, इसलिए मैं वॉच लेके जा रहा हूँ कि जब हम फॉरिंग हो तो तब मैं मामा को कॉल कर दूं कि मिले लेने आ जाए। वो देखे वॉच दिखाओ। ये देखे और क्या करवाने जा रहे हो? बैलेंस। और अब अहमद भी आ गया हूँ, देखे कितना प्यारा लग गया, और हम भी तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गया। अहमद दिखाओ इधर। इसके ऊपर क्या पहनोगे? इसके ऊपर हाँ, उधर बहुत ठंड है। सही है, वैसे घूमते फिरते तुम लोगों को लगनी तो नहीं। इसको भी ऊपर पहनो। लेकिन सॉफ्ट और देखे यहाँ कैसा लग रहा है। सॉफ्ट सॉस हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हम इंजॉय करके आके आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या किया, क्या सारा कुछ बताना है हमने क्या किया क्या खाया। बाकी मैं बैलेंस करवा। मामा दोनों सेम सेम है दोनों। मैं भी रेडी हो गई माल की जाने के लिए। Two hours later. तो हम 6 बजे जाओगे 10 बजे आए हैं। हमें बहुत मजा आया,
बहुत कुछ हुआ, लेकिन उधर उन्होंने कहा था बिग स्क्रीन होगी सिनेमा की। अच्छा, मैंने इनकी स्टोरी कोई नहीं सुनी, मैंने कहा मुझे तुम ऑन स्क्रीन ही सुनाओ सारा कुछ। तो उधर क्या थे? वो लिखा था बिग सिनेमा की स्क्रीन होगी। जब हम गए तो उधर ना अंग्रेजों वाली कोई फिल्म लगी, ऐसे बातें बस कर रहे थे। हम बैठे हैं, एक चीज अभी खाई है उधर। क्या खाया था सबसे पहले? सबसे पहले हमने खाई थी बर्गर। बर्गर बर्गर कौन सा? शामी। और कितने का मिला था? 120। टेस्ट कैसा था? सारी टीचरें बैठ के सारा कुछ कर रही थी, बारबेक्यू भी टीचर ने। टेस्ट कैसा था? अच्छा था, सही था, नॉर्मल। अच्छा, हर चीज का नॉर्मल, पापड़ी चाट का भी। जो गोल गप्पे थे वो भी सही थे, लेकिन थोड़े बुस्से थे, मतलब सिले सिले, वो ठंड की वजह से हो गए होंगे। जो बारबेक्यू था ना, मेरे उधर दोस्त बड़े थे, कहते ना नहीं, इतने इतनी इतनी बोटी है, सात हड्डियां ही है वो भी। अच्छा, 100 की एक सीख है, नहीं 500 की, 5। हाँ, 100 की एक सीख में कितने पीस थे उसमें? 4। अच्छा, तो इतने तो ना मजे के सड़े हुए। अच्छा, हमारे दोस्तों ने कहा था ना लो, क्योंकि हम 500 गया कर बैठे थे। अच्छा, तो वो हमारा कैसे पापड़ी चाट का सारा कुछ खाया। फिर हमने पहले ही पूछा था कि सिनेमा खत्म, वो कहते सिनेमा खत्म भी हो गए। अच्छा, तू अपने एक। फिर उधर स्टेज में पार्टियां चल रही थी, बच्चे नाच रहे थे, उधर मेरा फेवरेट सॉन्ग लगा, मैं भी उधर जाके शामिल हो गया। सारे उधर नाच रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। तो हम एक मिनट, कौन सा गाना था? एक मिनट नहीं, मेरे डब बत्ती बोर थल्ले काली कार। अच्छा, तो फिर उधर ना एक बच्चे ने शिकायत लगा दी, ये बच्चा एक बड़ा है असद भाई जितना, नहीं बड़ा असद उतना बच्चा वेप रहा है, सच में वेप रहा है। तो फिर ना सर हडून साहब आए, उन्होंने देखा पहले ये पॉकेट में हाथ डाला, ये वाली चाबी निकली, कहता नहीं मैं नहीं, वो दूसरा होगा, दूसरा था बच्चे का मुंह बना हुआ था, फिर डाले चाबी, चाबी निकली। इधर जब डाला ना, नहीं फिर इधर डाली, फिर एक वो हाँ डब्बी फ्लेवर निकला, वो ड्रॉप्स फ्लेवर। तब सर हडून को था पक्का क्या फ्लेवर है, तो शीशा भी होना है। उन्होंने इधर डाला, नहीं जब इधर डाला इधर से वेप निकल गई। सर उन्होंने कहा अब ये क्या है? कहता ये बस दोस्त की है। तो पहले कहता मेरे पास है नहीं, पकड़ी गई तो कहता दोस्त की है। और सर फिर उन्होंने सर रून ने बड़ी मैम इकबाल को दी, मैम ही ना इकबाल को, उनको दी। उन्होंने ऐसे ऐसे बात को नमका के किया, वो थी 45,000 क्या वो वेप, उसका क्या मतलब होता है वेप शीशा? नहीं 45,000 क्या वो 45,000 की थी? अच्छा 4500 की थी। 4500 ये तो सस्ती नहीं होती? नहीं 1000 की ली थी, जो उसका वो ड्रॉप से ना वो थे 20,000 के। ये किसने बताया? ये सारा वो लड़के ने के ना तोड़ना, ये इतने हैं सब। अच्छा, मैम को भी पता था जब तोड़ा तो लड़के का ना बड़ा दुख हुआ कि इतना महंगा नुकसान हो गया 1,00,000 के पास का। मैम मीना ने ऐसे ऐसे 3-4 बार ऐसे मारी है नीचे, ओए टूट गई। फिर हमने भी ये सारा सीन देखा खुद। और क्या क्या किया? और चीजें खाई आपने? क्या क्या खाया मुझे ये बताओ। आपने हमें जिन से रोका वो भी खा पी लिया। क्या आइसक्रीम? आइसक्रीम कौन सी आइसक्रीम थी? चोकबार। कितने की मिली? 80। इतना वैसे डिफरेंस नहीं है रेट का, है ना? और जो पार्टी हुआ वो 100 की सीख है, 120 का बर्गर है, पापड़ी चाट की प्लेट 100 की है। टेस्ट किसका अच्छा था? टेस्ट फ्राइज का सही था। फ्राइज भी खाई थी? फ्राइज का, लेकिन अभी भी हमारे पास 1500 है, बच गया। हाँ सारा कुछ भर के खाया, 3 बोतलें ली, 3 आइसक्रीमें ली, 3 बर्गर लिए मामा। प्लेट पापड़ी चाट की एक ही लगाई 100 वाली, पहले चेक करनी नहीं थी मजे की मामा, उन्होंने वो ही नहीं डाला वो जो होता है खटियाई, उसके बगैर वो नहीं होते मामा, मीठी चटनी वगैरह उससे। सारे मुझे जब फ्रेंड आए, तुम अब आए हो एक साल बाद मिले हो, ऐसे सारे दोस्त आए थे, सारे मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके मिल गए। फिर हमारी पहले स्कूल में गैंग होती थी, उन्होंने मुझे गैंग किया, वैसे चल रहा है टीचरें बदली है हमारे ऐसे है। फिर हम मिल के सारा कुछ हमने खाया पिया, हमें पूछे की खाओ ऐसे खिलाए, सारा कुछ खिलाए किया सारा कुछ इसको।
मामा हमने कहा था फोन मना उधर सारे बच्चे रहे थे काफी बच्चे रहे थे उधर। किसने कहा था मना? वो टिकट पे भी लिखा हुआ था। नहीं मना टिकट पे लिखा हुआ सारे कोई टिकटॉक बना रहे कोई फोटो खींच रहे। चलो ये हो नहीं वो टिकट पे भी लिखा हुआ था फिर मुझे हमने भी बोला कि उसकी टीचर ने बोला है। सारे बच्चे कोई रोकने वाला ही नहीं था सारे सर थे सारे वो खुद टिकटॉक बना रहे थे मोबाइल बच्चे लाए हुए थे सारे। मुझे तो बहुत मजा आया पहले तो मैं ना कर रहा था लेकिन अरहम ने मुझे बताया जाओ 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 फिर मैं गया लेकिन मुझे मजा बहुत आया क्योंकि मेरे पुराने मुझे दोस्त मिले यादें ताजा हुई थी सही मजा आया काफी। तो पिछली सारी टीचरें मामा जाके नई टीचरें आ गई है एक टीचर भी नहीं बहुत मुझे नजर आई लेकिन ये मजे की बात मुझे लगी जितनी चीजें थी ना सारी टीचर ही बना रही थी है सारी टीचर ही मुझे बस ये ज्यादा हैरानगी हुई कि सारी टीचर है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप कभी ऐसे गए हैं आपने कभी बोनफायर इतना एंजॉय करा तो कमेंट में बताएं। बाकी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करें और अहमद को मजा आया अहमद को बहुत मजा आया वो तो दिल खुश कहता कर दिया एंड भी जाते हमने हसन भाई को कान पान खिलाओ लेकिन वो कहते टाइम नहीं है टाइम नहीं है टाइम नहीं है जाते जाते हमने कहा पैसे हमारे पास है जाओ तुम रुको वो नहीं रुका। चलो पैसे बच गए ना वो मुझे वापस करो। इसने मुझे जो कहा वो खिलाया सारी हमने डिशे चेक कर ली मेरे कजन को भी साथ उतना ही खिलाया जितना हमने खाया सारों ने बोतलें भी पी जो कुछ मामा ने मना किया वो भी खाया लेकिन फिर भी हमारा 1100 खर्चा बस आया लेकिन हम सारों का भी पेट इस टाइम फुल है। तो ये बताओ मुझे और कुछ ऐसा था जो खाने वाला तुम लोगों ने नहीं खाया? टिक्का कबाब नहीं बस हमने चेक किया जान वो तुमने कह दिया ऐसे है वैसे हमने जिंगर बर्गर भी नहीं पिज़्ज़ा भी नहीं वो है ही नहीं था लेकिन खत्म हो गया था ना ब्रो ना खत्म हो गया है था उधर हाँ मतलब स्टॉल है था लेकिन खत्म हो गया था नहीं कैंटीन में ही था। अच्छा। तो हमें पता पहले नहीं था जब एक बच्चे ने बस लाके हमें पिज्जा दिखाया हमने कहा कहाँ से उसने भी कहा नहीं मैंने नहीं बताना मैंने कहा वाह यार क्यों नहीं बताना मुझे मामा कैंटीन में अब कैसे बंदा कह सकता है पिज्जे बन रहे हैं कुछ कह ही नहीं सकता सामने स्टोलियां लगे गई लिखा होगा पिज्जे हैं लिखा हुआ था अंदर पागल है मामा मैं वो बड़ा ऐसे जाकर पढ़ना अंदर लिखा था ना मुझे तो यही कैंटीन है। हाँ जी आपको पता था पहले आके कहते हैं अब क्यों बैठे हो तो अब हम खेल खूल के थक गए हैं मत मारी गई है तो बाकी आप चैनल को जाके सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दुआओं में हर वक्त याद रखें बाकी बाय बाय।